दिलों में ताकत हो तो कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा एक उदाहरण ग्वालियर के तारागंज क्षेत्र से देखने को मिला है, जहां एक छोटे से युवक ने वो कर दिखाया जो एक बड़ा इंसान नहीं कर सकता। वहीं अंकेश कुश्ती समाज के हंसी मजाक और चुनौतियों के विपरीत आगे बढ़ते हुए पढ़ लिख तो गए, लेकिन नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर भी हो गए। लेकिन कहा जाता है कि उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और कुछ ऐसा ही अंकेश के जीवन में घटा जब क्षेत्रीय विधायक की मदद से अब उसके पास एक नहीं दर्जनों नौकरी के ऑफर सामने आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंकेश का ड्रीम है कि वह तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। वहीं इस मामले में अंकेश के मददगार बने विधायक प्रवीण पाठक ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, अंकेश से मेरा पुराना परिचय नहीं है, पर कल जब मैं प्रतिदिन की भांति दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों से मिलता हूँ तो उस समय अंकेश का आना हुआ, और अंकेश अपनी माँ का आधार कार्ड बनवाने के लिए मेरे पास आए थे। तो मैंने पूछा कि क्या करती हैं माँ, तो उन्होंने बताया कि वो बीड़ी के कारखाने में मजदूरी करती हैं। तो मैंने कहा घर कैसे चलता है, तो बोले अभी तो तकलीफ में हूँ, मैंने भी MBA HRO फाइनेंस ही किया है पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो मुझे तत्काल प्रभाव से लगा, मैंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति जो वास्तव में जिसको ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है, समाज से कोई शिकायत नहीं है, परिजनों से कोई शिकायत नहीं है, और वो अपनी जीजी विषा को मरने नहीं देता, दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करता है, स्वयं इन परिस्थितियों में जो प्रतिकूल नहीं है उसमें MBA HRO फाइनेंस से करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने तुरंत एक उनको लेके साथ में अपने दक्षिण विधानसभा के परिजनों से वीडियो के माध्यम से अपील की कि अंकेश को जॉब की आवश्यकता है, और ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है कि आज भी समाज में सकारात्मक लोग हैं। मुझे कई लोगों ने संपर्क किया जो लोग अंकेश को नौकरी देना चाहते हैं, और आज मैं खुद अंकेश के साथ जा रहा हूँ एक कंपनी में, अंकेश इंटरव्यू देंगे, उनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वहीं आपको बता दें कि अंकेश ने अपने सपनों को लेकर CM से अपील की है कि उसका परिवार शुरू से ही आर्थिक संकट के दौर से गुजरा है, ऐसे में उसका IAS बनने का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। अगर CM उनकी मदद करते हैं तो वह IAS बनकर देश की सेवा करेंगे। पहले तो सभी लोग मेरे मजाक उड़ाते थे कि इतना छोटा, इतनी छोटी आय का है, मुझे छोटी छोटी कह के उड़ाते थे, मगर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरी हाइट मेरी जैसी भी है, मैं उसको अपनी ताकत बनाऊंगा और एक दिन मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करके दिखाऊंगा। क्या बनना चाहते हो? मेरा सपना है मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। जो वीडियो कल जो भैया के पेज से जो वीडियो वायरल हुआ है उसी को आगे देखते हुए मैं यही शिवराज सिंह जी से निवेदन करूँगा कि मेरी थोड़ी आर्थिक मदद करें, और मेरा जो सपना है मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहूँगा, थोड़ी आर्थिक स्थिति की वजह से मैं अपने सपनों को थोड़ा पीछे रह गया। मेरा क्या सपना? IAS बनने का मेरा सपना है, मैं उसको आगे पूरा करना चाहता हूँ। अब देखने वाली बात होगी कि अंकेश के IAS बनने के सफर में कौन उनकी मदद करता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। न्यूज़ डेस्क समाचार प्लस।